मकान पर मिट्टी भराई कर रहे एक युवक के साथ पड़ोस के ही कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद परिजन घायल युवक को लालगंज रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। दरअसल लालगंज नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 8 निवासी विकास चंद्र गुप्ता का बेटा विकल गुप्ता गांधी चौक के समीप नव निर्मित मकान की जमीन पर मिट्टी भराई का कार्य करवा रहा था। इस दौरान पड़ोस के स्वर्गीय बली शाह का बेटा संजीव कुमार अपने परिजनों के साथ मिलकर विकल गुप्ता को मिट्टी भराई कार्य करने से रोक दिया, जिसके बाद विकल गुप्ता तथा संजीव कुमार में विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों से एक एक व्यक्ति घायल हुए हैं। विकल गुप्ता के सिर में गहरी चोट होने के कारण रेफर कर दिया गया है। घायल विकल गुप्ता ने बताया कि वह अपने नवनिर्मित मकान की जमीन पर मिट्टी भराई का कार्य करवा रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के संजीव कुमार अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आ धमके और मिट्टी भराई कार्य को रोक दिया। कहने लगे, मिट्टी भरने से मेरे घर में पानी लग जाएगा। इस बीच विवाद बढ़ा और मारपीट हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मामले में लालगंज थानाध्यक्ष का कहना है कि आवेदन मिलने पर इसकी छानबीन की जाएगी। घटना हुआ सर कि गांधी चौक के पास संजय के बगल में हमारे चाचा का एक मकान बन रहा है। इस मकान बनने के दौरान वहाँ के पड़ोसी एक संजीव कुमार है, जो बार बार मकान बनाने डिस्टर्ब करता है। पूरे गली में वो लकड़ी का सामान या डिस्टर्ब करके अपना सामान गिरा रख रखता है, दूसरे का सामान गिरा देता है। अभी हमारा छोटा भाई वहाँ पर गया था मिट्टी गिराने क्रम में, उसने वहाँ पर मिट्टी गिराने क्रम में जब बात विवाद किया तो उन्होंने बात विवाद बढ़ा दिया और धक्का मार के छोटे भाई को गिरा दिया। और गिराने के बाद सभी लोग संजीव कुमार उसके परिवार वाले सारे लोग उछड़ के उसको मारने पीटने लगे। जब हम लोग बचाव के लिए पहुंचे तब तक क्या था, भाई को पटक कर उन्होंने रड चला के उनको भाई का सर तोड़ दिया था, जिसके बाद पूरा वो क्षतिग्रस्त हो गया। अभी हॉस्पिटल में उसके इलाज किया। क्या भाई का क्या नाम है? विकल गुप्ता। वो किस लिए विवाद वो बराबर करते हैं? वहाँ पर मट्टी थोड़ा सा गिराने गया था क्योंकि ढलाई होने वाली है, तो मट्टी गिरा के गया था क्योंकि गिट्टी भी गिरेगा। उस क्रम में संजीव कुमार उनके परिवार में विवाद करने लगे और विवाद करने के क्रम में पटक के उनका सर फोड़ दिया गया, रड चला गया। अभी आप कहाँ आए हुए? हॉस्पिटल में आए हुए इलाज के लिए। उसका संजय टोल पर मकान बना रहे थे, उधर से मट्टी थोड़ा सा गिरवा रहे थे साइड से मकान से पिलर के कोना में, जबकि गली है 7 फीट प्लस 2 फीट नया में पुराना मिला के 9 फीट का गली, हम 10 फीट गली छोड़े में, 1 फीट ज़्यादा छोड़े में। उसके बाद जब बगल में वो है उसका चकला मिलने का मशीन है बली शाह का, उनका फिर फादर का नाम है, बेटा का नाम संजीव है, वो आके हमको रोक रहा है। हम बोले कहा नहीं दीजिएगा गिराने, तो बलीगंज जी के नहीं नहीं गिरा देंगे। उसने हमसे मारपीट करने लगा है। उसके बाद वो दो का बेटा, एक पत्नी, एक अपने संजीव, उसके पीछे वाला 2-3-4 गो का गोती है, वो सब मिलकर हम पर लपज गया है, हमको गिरा के पटक के और गला दाब गया था। मेरा सोना का चैन था, एक लॉकेट था, वो छीन लिया है। उसके बाद पीछे से वो इतना संजीव जो अपने हैं वो पीछे से वो मशीन में से रड लेकर आए हैं, अब माथा में मार के फाड़ दिए माथा। उसके बाद कहाँ आप पहुँचे? उसके बाद हम थाना पर गए। अच्छा, थाना पर गए तो बराबर बोले कि पहले जाइए यहाँ पर इलाज करवा के आइए, तो हम आपका रिपोर्ट लिखेंगे। तो हम यहाँ डॉक्टर साहब देखे, उसके बाद क्या बोले हैं, रेफर किए हैं? उसके रेफर किए हमको हाजीपुर, बोले जाए सीटी स्कैन करवा के आइए। पहले से भी विवाद था या आज? कोई विवाद नहीं था मेरा, हम तो नया सरकार जमीन खरीदे हैं। हमेशा सर हमको काम के लिए रोकता है, हमेशा कुछ ना कुछ लफड़ा लगाता है, हमेशा बराबर बिना मतलब के। हम ही को नहीं सर, पीछे वाला सबको सबको परेशान करता है। सर ये विकास बनवाल हमारे बगल में जो है मकान बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मिट्टी उट्टी उधर मतलब कि वो अपने साइड भरवा रहे थे, हम उनको मना किए भाई आप भरवाइएगा, मेरे घर में पानी घुसेगा बारिश का दिन। किसी बात पर जो है वो मतलब कि तीनों, वो तीन भाई थे और विकास परमाल अपने, ये लोग ज़बरदस्ती ठेल ठाल करके हमको लगे मारने हमें। तो उसके बाद जब हमारा लड़का मतलब ये देखिए अभिनंदन कुमार है और एक और उसका नरेटी लोग दाबने का काम शुरू कर दिए। इसी दरमियान जो है हाथापाई हुआ और जबर हमको जो है मारे पीटे हैं, सब देख लीजिए। अभी वो आरोप लगा रहे थे कि वो मिट्टी भरा रहे थे, आप लोग उनके साथ मारपीट किए हैं? नहीं, मिट्टी भरवा रहे थे, हम सिर्फ मना किए कि भाई आप मिट्टी भरवाइएगा, हमारे घर में मतलब कि नीचे है पानी घुसेगा। ऐसा भी कहा गया कि वो घर बना रहे हैं तो आप बार बार उनको डिस्टर्ब करते? हम कहला जाए अगर हम डिस्टर्ब करते तो उनका मकान बन। कोई मारपीट का मामला आया है? हाँ, अभी एक मारपीट का केस आया है जिसमें एक आदमी जिसका नाम
विकल गुप्ता है, उनके सर में चोट है निचले हिस्से में, और उनको प्राथमिक उपचार के बाद हम लोगों ने अभी सदर हॉस्पिटल सिटी स्कैन के लिए भेजा है और उसका फर्दर उपचार जो है सदर हॉस्पिटल में है। क्या खतरे से बाहर है क्या? नहीं, अभी तो खतरे से बाहर है, लेकिन जब तक सीटी स्कैन ना हो जाए तब तक तो मतलब वो तो अंदर का चीज़ है, उसको देखना पड़ेगा सीटी स्कैन के थ्रू कि अगर ब्लीडिंग है या फ्रैक्चर है तो देखना। जो सर फटा हुआ था कितने टाँका लगा है क्या है? लगभग तो 3 या 4 टाँका लगा है। ठीक है, बाकी तो सीटी स्कैन होने के बाद ही और विशेष बात बताई जाएगी।